बात कर रहे थे भारत में वन संपदा के बारे में, आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक वानिकी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। इससे जो पहले वाले पार्ट डाला था मैंने, ठीक है, उसमें जो राष्ट्रीय वन नीति क्या थी, जो वन क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते थे, इनके बारे में बात की थी। आज मैं बात करता हूँ सामाजिक वानिकी क्या होती है, ठीक है, सामाजिक वानिकी, ठीक है, नाम से स्पष्ट होता है कि समाज, ठीक है, क्या हो रहा है मित्रों, समाज, ऐसे वन जो समाज द्वारा लगाए गए हो, ठीक है, समाज के लोगों के द्वारा लगाए गए हो, उन उसे बोलते हैं सामाजिक वानिकी, ठीक है। और साथ में इसका जिसकी उपज होगी और जिनको लाभ मिलेगा वो भी किसको मिलेगा, समाज को, ठीक है। तो ये बात हुई समाज से रिलेटेड सामाजिक वानिकी। आगे बढ़ता हूं और बात करें ये सामाजिक की संकल्पना किसने की, ये किसने दिया, इनके बारे में बात करने से पहले एक और बात बता दूं कि जिस प्रकार संविधान में अपने लिखा था कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, इसी प्रकार इसके अंदर भी क्या परिभाषा दी गई, इसके अंदर वो परिभाषा यह थी कि लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा वानिकी, ठीक है, लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए वानिकी, मीन क्या हो गया कि लोगों द्वारा वनों का विकास किया गया, वन लगाए गए और इसका जो लाभ होगा वो भी लोगों को ही मिलेगा, इस कारण इसकी जो परिभाषा दी गई थी वो ये थी। फिर बढ़ता हूं आगे, जो वन नीति बनाई गई थी 1952 ईस्वी के अंदर, दूसरी बनाई गई थी 1988 ईस्वी के अंदर, इन पर भी इन पे जोर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय कृषि विभाग, इस विभाग के द्वारा 1976 से लगाकर 1976 से 1979 इस टाइम के अंदर इन्होंने ये संकल्पना दी, कौन सी, सामाजिक वानिकी की संकल्पना दी थी। और उसके बाद आगे बढ़ता हूं मित्रों और बात करता हूं सामाजिक की जो वानिकी है, ये सामाजिक वानिकी है, इनको कितने भागों में विभाजित किया हुआ है इनके बारे में बात करता हूं। तो मित्रों इनको तीन भागों के अंदर विभाजित किया, वो तीन भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक होती है शहरी वानिकी, दूसरी हो जाएगी फार्म वानिकी, ठीक है, फार्म वानिकी, और नेक्स्ट हो जाएगी ग्रामीण वानिकी, और साथ में ग्रामीण वानिकी के दो भागों में और विभाजित किया, एक का नाम है समुदाय वानिकी और दूसरी हो जाएगी कृषि वानिकी। और कृषि के अंदर दो पार्ट वापस हो जाएंगे, एक तो वाणिज्यिक वाणिज्यिक और दूसरी गैर वाणिज्यिक, सबके बारे में बात करता हूं एक एक। सबसे पहले शहरी वानिकी के बारे में बात करते हैं, शहरी मतलब शहर के लोगों के विकास के लिए, शहर के लोगों द्वारा बनाई गई, ठीक है, इस प्रकार की जो वानिकी है वो कौन सी, शहरी वानिकी कहलाती है, जिसमें अपन बात करें जो शहर के अंदर सड़क के किनारे, पार्क, रेलवे लाइन तथा खाली भूमि पर वनों का विकास करना, इसका मेन उद्देश्य क्या रखा गया कि सड़क किनारे हो गया, पार्क हो गए, रेलवे हो गई, रेलवे लाइन और जो खाली भूमि पड़ी है शहरों के अंदर वहां पे वनों का विकास किया जाए, जिससे शहर का संतुलन, पर्यावरण संतुलन सही हो, साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा हो, इस प्रकार ये शहरी वानिकी का विकास किया गया। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ फार्म वानिकी क्या होती है, फार्म वानिकी होती है मित्रों की कृषि कर रहे अपन और कृषि के साथ में अपन क्या लगाए, फलदार वृक्ष लगाए, क्या लगाए, फलदार वृक्ष, जिससे अपने आर्थिक दृष्टि से मजबूती मिल सके और लोगों का जीवन भी अपन अच्छा हो सके, इस कारण इसे फार्म
हाल वानिकी के रूप में रखा गया। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ ग्रामीण वानिकी के बारे में मित्रों, तो ग्रामीण से रिलेटेड क्या हो गया, ग्रामीण मतलब गांव से संबंधित, जो गांवों के लोगों के द्वारा जो वनों का विकास किया जा रहा है उसमें, ठीक है, वो ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत आता है। इसके दो पार्ट बताए आपको मैंने, एक समुदाय वानिकी, दूसरी कृषि वानिकी। तो समुदाय से रिलेटेड क्या हो जाएगा आप मित्रों, कि समुदाय मतलब समुदाय से रिलेटेड, समुदाय आपके अंदर हो सकते हैं कि जैसे कि अलग अलग समुदाय हैं, जैसे कि हम बात करें एक समुदाय आप मान लो, कैसे मानो कि सरकारी स्कूल मान लो, ठीक है, ये सरकारी स्कूल है, ये एक समुदाय माना अपने, और सरकारी स्कूल के आसपास वृक्ष लगाना, एक लोगों के द्वारा समुदाय समूह के द्वारा वृक्ष लगाना सड़कों के किनारे हो गया, जहाँ खाली भूमि पड़ी हो गांवों के अंदर, और स्कूल, ठीक है, स्कूल सड़क किनारे हो गए, और ठीक है, और जो लाभ मिलेगा वो भी किसको मिलेगा, समुदाय को मिलेगा, गांव के लोगों को ही मिलेगा। ये हो गई सामुदायिक जो वानिकी थी। इसका जो मेन उद्देश्य क्या क्या कहते हैं, इन उद्देश्य के हम बात कर रहे हैं, तो सर्वाधिक उद्देश्य ये था कि पर्यावरण का संतुलन रहे और साथ में कुछ जो उपज मिले वो लाभ है वो गांव के लोगों को ही मिले, ठीक है। और साथ में अपन बात करें, इस प्रकार की जो वानिकी आपको देखने को मिलती है गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, यहाँ पे ये वानिकी सफल रही है। फिर बात करें मित्रों कि विश्व के अंदर बात करें कि सर्वाधिक जो ये ग्रामीण वानिकी चल रही है वो कहाँ पे है, इसका विकास कहाँ पे हुआ है, तो वो है चीन, और चीन के बाद स्थान आता है भारत का, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट था वो आपको याद रखने हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ कृषि वानिकी के बारे में। कृषि वानिकी, कृषि मतलब क्या हो गया, कृषि वानिकी से मतलब क्या हो गया कि मित्रों अपन खेती कर रहे हैं, ठीक है, खेती के साथ साथ ऐसी फसलों का विकास करें जो वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी हो, तो वो तो आ गई वाणिज्य की वानिकी के अंदर आ गई। और दूसरी हो जाएगी कि अपने खुद के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वानिकी करें, उसे गैर वाणिज्य के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार के मित्रों आर्थिक दृष्टि से लोगों को लाभ हो सकता है इनको अपने, जैसे कि इस प्रकार की वानिकी अधिकतर बात करें, जो जमींदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जमींदार लोग खेत ले लेते हैं, ठीक है, और इन पे खेती करने वाला कोई होता नहीं है, तो वो ऐसे वनों का विकास कर लेता है, ऐसे वृक्षों का विकास कर लेता है जिससे उनको उपज भी मिले और कोई भी डाका भी नहीं डाले और इसी पे कब्जा भी नहीं कर सके। इस कारण इनके ज्यादातर फायदा है, बड़े किसान हैं उनको फायदा ज्यादा है कि जमीन होती ज्यादा, लेकिन उन सब पे खेती नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो हो गई एक प्रकार की वानिकी, किसके अंतर्गत, वाणिज्यिक वानिकी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन वाणिज्य की क्या है, वानिकी है, इसके अंतर्गत सबसे जो घाटा होगा वो होगा किसको, होगा पर्यावरण को, क्योंकि ऐसे वनों का विकास करेंगे, ऐसे वृक्षों का विकास करेंगे जिसकी जो जड़ें होती है वो गहरी 2-2 मीटर तक जाती है जमीन के अंदर, और जिससे उपजाऊपन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपको मैंने बताया ये सामाजिक वानिकी के बारे में जो बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो और साथ में आपको बात करूं कि विश्व के अंदर कृषि वानिकी नीति बनाने वाला भारत प्रथम स्थान है, कृषि वानिकी नीति नीति बनाने वाला भारत विश्व के अंदर प्रथम स्थान पे है। देखिए फ्रेंड्स, मैं टोटल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, पीछे कुछ भी नहीं रख रहा हूं, नहीं तो इस प्रकार के टॉपिक जो नहीं पढ़ाए जाते हैं आमतौर पर, तो फिर मैं ले रहा हूँ जिससे आपको कोई भी पीछे नहीं रहे, एग्जाम के अंदर आ जाए बाई चांस तो आप वहां पे अपना एग्जाम में क्वेश्चन सही कर सको। और साथ में आपको कुछ एक टॉपिक था जिसमें आपको बता दूं मैं कि जल ग्रहण क्षेत्र है वहां पे कैसे जल ग्रहण करते हैं, जैसे जनों का विकास, जैसे कि जल वनों का विकास के लिए बता दिया आपको, अब मैं बताऊं कि जल जो संरक्षण है उन संग्रहण कैसे करते हैं, ठीक है। इनके बारे में पहले मैंने बताई थी नदियों के बारे में, उस टाइम ने बताया नहीं, इस कारण यहां बताना उचित समझ रहा हूं। जल संग्रहण के स्रोत, किन किन स्रोतों के माध्यम से जो जल का संग्रहण करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं मित्रों बिहार के अंदर, बिहार के अंदर ये क्या बोलते हैं इनको,
बिहार के अंदर बोलते हैं मित्रों अहार व पाइन, अहार व पाइन, ये इन स्रोत के माध्यम से जैसे कि करते हैं, अलग अलग बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर बात करते हैं, राजस्थान के अंदर बोलते हैं खड़िन, टोबा, नाड़ी, टाका, इनका उपयोग करते हैं और फिर जल का संग्रहण करते हैं। जो बारिश का जल आता है, वर्षा का जल आता है, क्या नाड़ी, खड़िन, टोबा, टांका, ये राजस्थान में ये स्रोत हैं, इनके माध्यम से वर्षा के जल का संग्रहण होता है। फिर इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुंड, जैसे कि व्यास कुंड, वहाँ से व्यास नदी निकलती है। तमिलनाडु, यह बोलते एरिस यानी कि टैंक। फिर आगे बात करें केरल, केरल में बोलते हैं सुरंगम, क्या नाम है, सुरंगम। और उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर बोलते हैं कट्टा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं इसको बंदारस व ताल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एमपी व यूपी की बात करें, इन्हें बोलते हैं बाहोस व बांधोस, बाहोस व बांधोस, इनके माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। सबका नाम बताया, बिहार के अंदर अहार व पाइन, राजस्थान के अंदर नाड़ी एडिन, नाड़ी खड़ीन, टोबा, टांका, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुंड, कर्नाटक के अंदर, ठीक है, कर्नाटक के अंदर कट्टा, तमिलनाडु के अंदर एरिस टैंक, महाराष्ट्र के अंदर बंदारस व ताल, एमपी व यूपी के अंदर बाहोस व बांधोस। ठीक है, जितनी भी बातें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की, आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ये भारत में वन संपदा का टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। और आगे मैं बात करूंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है जो वनों के विकास के और साथ में वन्य जीवों के विकास के लिए बनाए गए हैं, तो इनके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।